हेलो, दिस इज़ राहुल कुमार। तो आज हम एसिड रेन टॉपिक पे बात करेंगे। यह क्या होता है और कैसे होते हैं ये बारिश? एसिड रेन मतलब अम्ल वर्षा, अर्थात तेजाब की वर्षा। इसके बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो आपको पता होगा कि यह एक समस्या है, एटमॉस्फेरिक प्रॉब्लम है, वातावरण की समस्या है। तो जो अम्ल वर्षा होता है, यह प्रदूषण जनित समस्या है। प्रदूषण के कारण ही ये समस्या उत्पन्न होता है। क्या होता है कि वाहनों से, कल कारखानों से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी बहुत सारी गैसें निकलती है जीवाश्म ईंधन के जलने से, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के जलने से। अब ये गैसें एटमॉस्फेयर में जाएगी, वायुमंडल में जाएगी और वहाँ जो बादल होगा, जल वाष्प होगा, उनसे अभिक्रिया करके मिलकर अम्ल बनाते हैं। अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल वाष्प से मिला है तो ये बनाता है नाइट्रिक अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड अगर जल से मिला है तो बनाएगा कार्बोनिक अम्ल। और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा और फिर ये जल वाष्प से मिलेगा तो बनाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। और जो ये अम्ल है, पुनः वर्षा जल के साथ घुलकर ये धरती पर आ गिरेगा। इसे ही हम बोलते हैं अम्ल वर्षा बोलते हैं, इसे ही कहा जाता है अम्ल वर्षा। एसिड रेन बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं इसे। एसिड रेन, अब जानते हैं इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, बुरे प्रभाव होते हैं मानव तथा पूरे वातावरण पर। सिर्फ मानव ही नहीं, दूसरे पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। जैसे पहला में कहता है, अम्ल वर्षा से जलाशयों जैसे तालाब, झील, नदी का जल अम्लीय हो जाता है और इनमें रहने वाले जो जीव होते हैं वो मरने लगते हैं, बेचारे मरने लगते हैं। इस तरह से मर मर कर छहला जाते हैं। इस तरह से यूरोप में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ कारखाने बहुत ज़्यादा है और इस तरह से जो झील और नदियों की और तालाबों की मछलियाँ होती हैं, मर मर कर ख़त्म हो जाते हैं। प्लांट्स पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। कई देश के कई हिस्सों में जंगलों में आग लग जाती है और जंगल सूख भी जाते हैं। फिर अम्ल वर्षा जो है वह मेटल्स पर और सीमेंट पर बुरा असर डालता है। मेटल्स और सीमेंट पर उसको संक्षारित कर देता है, बुरा प्रभाव डालता है। या जो लोहा, सीसा और सीमेंट होते हैं, एसिड्स में घुलने लगते हैं, जिससे जो इमारत होता है, पुल होता है, जो धातु के बने होते हैं, वह उनकी चमक दमक भी खराब हो जाती है, ब्यूटी उसकी खराब हो जाती है। इस तरह से देखिए, यह एक स्टैचू है जिसकी ब्यूटी काफ़ी खराब हो चुकी है, देखने में बिल्कुल भद्दा लग रहा है। अब ये ताजमहल देखिए, जब शुरू शुरू बना था तो कितना ब्यूटीफुल था, लेकिन आज देखिए पीला पड़ता जा रहा है, क्योंकि मथुरा के पास एक तेल शोधा कारखाना है और वहीं से बहुत सारी सल्फर डाइऑक्साइड आती है और यहाँ तेजाब की वर्षा होती है और इसकी ब्यूटी को ख़त्म करते जा रही है। फिर तीसरे इसके इफेक्ट हैं, जो अम्ल वर्षा होता है पेड़ पर भी बुरा असर डालता है। बुरा असर डालने के कारण कई जगह तो विश्व के कई हिस्सों में जंगल नष्ट भी हो गए हैं और मनुष्यों में इसे कैंसर भी होता है, कैंसर हाथ पांव में कैंसर। फिर मोतियाबिंद, उन्हें बीमारी हो जाती है, मोतियाबिंद और स्किन कैंसर होता है, मोतियाबिंद और स्किन कैंसर। देखिए यहाँ उसका इमेज दिया गया है स्किन कैंसर का। इस तरह से स्किन कैंसर चेहरे पर हो जाते हैं। तो एसिड रेन बेहद ही खतरनाक होते हैं। इनको रोकने का एक ही उपाय है, उद्योगों में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग पर रोक लगाकर। लेकिन ऐसा
प्रैक्टिकली कोशिश करने में काफ़ी पैसे लगेंगे, टेक्नोलॉजी चाहिए और समय भी चाहिए। लोगों की इच्छा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इस काम को पूरा करने के लिए। थैंक यू।